हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन। जी हाँ, टोटल 100 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल आप सभी का एग्जाम है, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए। आई श्योर आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नए स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस टू द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट एंड लाइक शेयर वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स गो टू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एच सी डबल बॉन्ड सी एच प्लस टू एच सी एल विल बी एच सी डबल बॉन्ड सी एच को ऐड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? तो लेट सी आंसर इज सी एच थ्री सी एच सी एल टू। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। ओके, आंसर इज जी ई ओ टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी एच थ्री सी ओ सी फाइव एच इलेवन इज ऑब्टेन्ड बाई। आंसर इज फर्स्ट सी फाइव एच इलेवन ओ एच प्लस सी एच थ्री सी ओ एच। ओके, सी फाइव एच इलेवन ओ एच प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव ए एम पी करेंट इज पासिस थ्रू ए ड्राई सेल फॉर टू आवर्स, द वॉल्व ऑफ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करेंट विल बी। आंसर इज फोर, थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन फॉर फोर कूलम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ट्रेनिस वन टू डाइक्लोरो इथेन। ट्रेनिस वन टू डाइक्लोरो इथेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आंसर इज थ्री, फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, आर्थो यूट्रोफिनॉल इज ए ए। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट लोविस बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग सो सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म। इसमें से कौन सा शो करता है आइसोमेरिज्म, सिस्ट्रॉन आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर रहा है? आंसर इज थ्री, सी एल सी एच डबल वन सी एच सी एच थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ग्लाइसिन वर्क एम ए रिएक्शन एच। सो आंसर इज थ्री, बोथ वन एंड टू, एसिड एंड बेस। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर ट्रू क्लोरोब्यूटेन एंड थ्री क्लोरोब्यूटेन इज। राइट आंसर इज द फोर, वन नेम इज रॉन्ग, बोथ आर सेम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयन हैविंग फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन आयन हैविंग फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज, जिसके पास फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा इसका जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर है? ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फोर है, तो आंसर इज अ फोर, 4.9 bm। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओ एफ बॉन्ड ऑक्सीजन फ्लोरिन बॉन्ड इज ओ एफ टू कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। इसके ओवरलैपिंग से बनता है ओ एफ टू कंपाउंड, ओ एफ बॉन्ड किसके ओवरलैपिंग से बनता है, किसके थ्रू? द आंसर इज टू, एस पी थ्री टू पी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द स्ट्रक्चर ऑफ सी यू एन एच थ्री फोर टू प्लस इज। सो करेक्ट आंसर इज द फोर, टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ओके, 13 क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन इज। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन इज, स्ट्रक्चरल आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हेप्टेन में कितने होते हैं? सो आंसर इज थ्री, मोर देन पेंटेन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज सॉल्वबल इन NH4OH? आंसर इज 3, FeOH थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफर्स फ्रॉम अदर्स? सो डिफर फ्रॉम फोर्थ इज द करेक्ट, रुबिडियम। सो रुबिडियम इज द सेपरेट ब्लॉक एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रक्चर ऑफ फोरॉन इज, फोरॉन स्ट्रक्चर, सो राइट आंसर इज द 2, CH3 ट्वाइस, C डबल बॉन्ड CHCO, CH डबल बॉन्ड C, CH3 ट्वाइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट? सो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इज HI, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंसर इज 2, O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द क्वांटम नो NOS आर 3, 2, 0 प्लस हाफ? सो करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, K, पोटेशियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर्स ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस इन NaCl आर रिस्पेक्टिवली? ऑप्शन इज द 6, 6 एंड 2 है 4, 6, 3, 6, 8, 4, 8, 8। सो करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, 6, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन कंपेरिजन ऑफ CU एंड Ag, आंसर इज 1, CU इज इजली ऑक्सीडाइज इन कंपेरिजन विथ Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मोलारिटी ऑफ 200 ml ऑफ 18.25 एंड NaOH विल बी? सो आंसर इज 2, 91.25 moles, ओके। नेक्स्ट 23, इन Haber's प्रोसेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, Haber's प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस? सो आंसर इज 3, एल्डा ऑफ NH3 डिक्रीज, मोस्ट IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन इज, करेक्ट आंसर इज 3, ऑल आर डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, CF2Cl2 इज यूज एज, आंसर इज 3, रिफ्रिजरेंट, ओके। 26 क्वेश्चन, द वेट ऑफ कार्बन एटम इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज 1.9 × 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द pH ऑफ 10⁻⁸ HCl इज, राइट आंसर इज फर्स्ट, लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आंसर इज 2, CO2 डज नॉट शो रेजोनेंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट? आंसर इज 1, एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन ए सॉल्यूशन ऑफ 2.8 मोल एसीटोन एंड 8.2 मोल ऑफ CHCl3 विल बी? सो करेक्ट आंसर इज 30.254, राइट। 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाई आयनाइजिंग पोटेंशियल? सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, नियन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट?
आंसर इज 3 HF. नेक्स्ट द ड्राई सेल ड्राई आइस इज द ड्राई आइस इज आंसर इज 2 सॉलिड CO2 राइट 34 फॉर द रिएक्शन 2A सी प्लस डी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1 × 10⁻³ इफ सी इक्वल टू 1.2 × 10⁻³ दे इक्वल टू 3.8 × 10⁻⁶ एंड वैल्यू ऑफ ए विल बी सो वैल्यू ऑफ ए विल बी ए वैल्यू ऑफ ए विल बी 2.1 × 10⁻³ राइट 35 क्वेश्चन इधर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल सो राइट आंसर इज 2 SF6 3 SO2 राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 मस्टर्ड गैस इज फाउंड फ्रॉम मस्टर्ड गैस इज फाउंड फ्रॉम कॉमन क्वेश्चन एंड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं तो आंसर इज 3C2H4 एंड H2Cl2 नेक्स्ट क्वेश्चन 37 द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सो आंसर इज फर्स्ट लिथियम 38 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सो आंसर इज फर्स्ट ब्यूटेन C4H10 39 क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल आंसर इज नन ऑफ दीज All is the metal. Next, in which of the following there is a strong bond? Answer is 3. C double bond C. Carbon-carbon triple bond. Next, the shape and size of 2p, 3p, 4p and 5p orbital are. Answer is 3. Different. Next question. Malachite is a ore of. The answer is copper. 43 question. If the ionization constant of C3COH is 1.8 × 10⁵, the degree of ionization of 0.01 mole C3COH will be. So correct answer is 3, 4.2 × 10⁻². Next question 44. If the price of NaCl sugar are 2 and 14 rupees per kg, then the price of 1 mole NaCl and 1 mole sugar will be. Answer is 2, different. 45 question is the, in which of the following there are minimum number of molecules? So right answer is 4 gram N2 next 46 in which of the following central atom uses sp2 hybrid orbitals correct answer is 4 CH3 plus CH3 47 question Which of the following is paramagnetic? Most repeating question. So answer is 3 or 2 minus. 48 question. Present atomic weight scale depend upon. So answer is 3 carbon 12. Next question. C3H8 on combustion gives CO2 and H2O. The required volume of O2 will be. Answer is 1, 5 times of C3H8. Next question 50. The oxidation state of B in KBF4 is? Answer is 3, plus 3. B ka oxidation state, plus 3. Okay, so finally हमने 50 question complete कर लिया. Next video में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी एंड जल्दी ही मैं प्रोवाइड करूंगी
ओके, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर, बाय बाय.